कहते हैं, मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी, जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बाद में उसको कोई कुछ भी कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है। दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी दरवाजे में। अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आई नहीं रहा, कोई असर आ ही नहीं। ये उंगली पर दबाव पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली बककर कह दिया, अपशब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मारकर कह दिया, दो थप्पड़ लगाकर कह दिया, दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है सास बहू को गालियां देती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है। पर इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा, और वो बहुत बोल्ड होता चला जाता, बहुत प्रबल होता। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास आने, पास में रहने वाले, गरीबी और करीबी, ये दो ऐसे टीचर हैं, ये दो ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में अपशब्द सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं करीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते, ये उसमें के होते हैं कि वक्त पड़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाए और तुम्हें लात मार कर पीछे आगे निकल जाए, ये पता नहीं पड़ता। तो गरीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास है। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिवजी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनके आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसे पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिवजी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकसु।